अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार का युवा चाहता है इस बार बदलाव। चुनावी सर्वे में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव छाए। बिहार के युवाओं को पसंद है आरजेडी एलजेपी का साथ। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को युवाओं की सलाह। प्रदेश को युवा सोच के साथ आगे बढ़ाएं दोनों नेता। युवाओं ने बताया कि एनडीए के साथ में क्यों चिराग का है नुकसान। बिहार बदलाव की मांग कर रहा है। बिहार के युवा सुशासन से ज्यादा युवा सोच को तवज्जो दे रहे हैं। बिहार की सियासत को युवाओं की दरकार दिख रही है। ऐसे में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार की सियासत के लिए 80% युवाओं की पहली पसंद बनी है एक सर्वे के मुताबिक। वहीं बिहार विधानसभा का चुनावी चौसर बिछ चुका है। सियासी दल पार्टियों की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसे दल हैं जिनके नेताओं को अपने भविष्य की फिक्र सता रही है। इसमें दो युवा चेहरे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी का चेहरा है और चिराग पासवान जो एलजेपी के प्रमुख हैं। तेजस्वी यादव तो अपनी पार्टी के लिए सीएम का चेहरा है ही, लेकिन चिराग पासवान इस मामले में पीछे दिख रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का सियासी भविष्य दांव पर है और इसके पीछे है वो गठबंधन जिसके सहारे अब तक एलजेपी चुनाव लड़ती आ रही है। गठबंधन की वजह से स्थापना से लेकर अब तक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बिहार में कभी पहले नंबर की पार्टी नहीं बन पाई। एनडीए में होने की वजह से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी हमेशा तीसरे नंबर की पार्टी रही। वहीं आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी हमेशा पहले पायदान पर रही और प्रदेश की सत्ता को भी आरजेडी ने चलाया। अब जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के हाथ में है। ऐसे में चिराग पासवान को लगता है कि अगर वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे तो फिर उनकी पार्टी को वो पहचान बिहार में नहीं मिल पाएगी जो आरजेडी की है, और जेडीयू बीजेपी कभी एलजेपी को खुद से आगे नहीं जाने देंगे। ऐसे में चिराग पासवान के मन में भी प्रदेश का मुखिया बनने की चाहत है जो एनडीए के साथ रहकर शायद ही मुमकिन हो पाए। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और चिराग पासवान के पास मौका है, या तो वो प्रदेश में ज्यादा सीटें हासिल करके एनडीए के सामने प्रस्ताव रखें कि उन्हें प्रदेश की कमान दी जाए, या फिर अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर प्रदेश की कमान को हाथ मिले। ऐसे में बिहार के युवाओं का एक सुझाव चिराग पासवान को है कि चिराग पासवान के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लें। ऐसे में भले ही चिराग पासवान को प्रदेश के मुखिया का दर्जा न मिले, लेकिन चिराग पासवान को दूसरे नंबर का मुखिया बनने का मौका जरूर मिल जाएगा। एनडीए के साथ में रहते चिराग पासवान को बीजेपी और जेडीयू के बाद जो बचेगा वही मिलेगा, जिससे शायद चिराग की पहचान धूमिल हो जाएगी। ऐसे में एनडीए में अभी से चिराग पासवान के तेवर तल्ख दिख रहे हैं, जिससे साफ लगता है कि चिराग का भी अब मोह भंग हो रहा है। और चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो उनकी पार्टी की साख तो बढ़ेगी ही, साथ ही दूसरे नंबर का मुखिया बनने का मौका भी मिल जाएगा, जो एलजेपी के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। बिहार के युवाओं की बात मानी जाए तो वो ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार का सुशासन उन्हें अब बोर करने लगा है। साथ ही बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रदेश को संभाल सके। इकलौते सुशील मोदी हैं जिनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए युवा उनसे खिन्न दिख रहे हैं। पप्पू यादव उभरते हुए नेता हैं, लेकिन उनको भी सत्ता तक पहुंचने के लिए गठबंधन की बैसाखी लेनी ही होगी। युवा तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में वो कलेवर देखते हैं जो प्रदेश की सियासत को नई दिशा दे सकता है। ऐसे में प्रदेश के 100 में से 80 युवा ये मानते हैं कि चिराग पासवान को साथ आ जाना चाहिए। अब फैसला चिराग पासवान को करना है कि उनको अपने भविष्य के लिए क्या कदम उठाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को पहले ही ऑफर दे दिया है कि वो अगर साथ आते हैं तो चिराग पासवान का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। देखना ये है कि इस बार बिहार की सियासत क्या नया पहलू दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।